एक घटनाक्रम हुआ और उसमें संघ के माननीय क्षेत्रीय प्रचारक नीमाराम जी के खिलाफ षड्यंत्र पूर्वक साजिश के तहत एक मामला फ्रेम किया गया। एक साल से न्यायालय पुलिस से सरकार से जवाब मांगता रहा, कोई प्रमाणिक तथ्य नहीं थे, कोई जवाब नहीं था और अंततः परिणति हुई, क्योंकि हमारे यहां कहा जाता है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। और आज नीमाराम जी को दोष मुक्त करने के बाद ये स्पष्ट हो गया कि सत्य की हमेशा जीत होती है और मैं न्यायालय के निर्णय का भी स्वागत करता हूं। और इससे एक बात स्पष्ट और हो गई कि कांग्रेस पार्टी जिस तरीके सियासत करती है, राजनीति करती है, राष्ट्रवादी संगठनों पर, राष्ट्रवादी संगठनों के लोगों को जिस तरीके से उनको मानहानि करती है, तो मुझे लगता है कि ये समय है कि जिस पर